नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बजट ने बहुत परेशान कर दिया है और बजट को समझते हुए जहां तक हम लोग पहुंचे हैं उसमें से जो निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि घर के साजो सामान से लेकर के यानी घर को सजाने के लिए जो सामान होता है वो घर में जो इस्तेमाल होता है वो और जो लड़की की शादी तक इस्तेमाल होता है वो सब कुछ निर्मला सीतारमण ने महंगा कर दिया है। लगा ऐसा था कि पहली महिला वित्त मंत्री हैं, महिलाओं को कुछ राहत देंगी, लेकिन आप इसका एनालिसिस करेंगे तो पाएंगे कि महिलाएं खासतौर से जो सोना चांदी का इस्तेमाल करती हैं वो भी महंगा हो गया, घर का सजाने का काम भी उन्हीं के जिम्मे होता है वो भी सब महंगा हो गया। हर किसी के जेब से उन्होंने कुछ न कुछ निकाला है, तो इस पर हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। रितेश जी, क्या क्या इन्होंने घरेलू सामान वाले में जो महंगा किया है, सबसे पहले साजो सामान वाला जो कैसे सजाने वाला वो थोड़ा बताइए। सामान में तो आप देखिए कि साबुन महंगा हो गया, प्लास्टिक रबर इसके जो भी सामान है वो महंगे हो गए, टाइल्स। अच्छा, एक चीज़ क्लियर करते हैं कि जो चीज़ जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ये उन चीज़ों की बात कर रहे हैं जो बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं। हाँ। और इस पर जो कस्टम ड्यूटी लगती है उसकी हम बात कर रहे हैं। हाँ। टाइल्स महंगा हो गया, मार्बल महंगा हो गया, उसके बाद जो आप घर में आपके गेट है, खिड़की है, सीढ़ियाँ हैं, उस पर जो आप मेटल फिटिंग लगाते हैं आजकल वो महंगे हो गए। साबुन भी इन्होंने महंगा किया है। हाँ। और फिर आप सब पे एक्साइज ड्यूटी पहले 10% थी उसको 15% कर दिया, जिस पे 7.5% था उसको 15% कर दिया है। जी, एक्साइज कर रहा हूँ, कस्टम ड्यूटी, सॉरी। हाँ। और सोना और चांदी और प्लेटिनम तीनों महंगा हो गए, तीनों महंगा हो गया, उस पे 10% से लेकर 12.5%। आम लोग करते हैं बेटियों की शादी में, रिश्तेदारी में, कई बार गिफ्ट देने में ये काम आते हैं जो, और सुपर रिच जो है वो प्लेटिनम का भी इस्तेमाल करते हैं। सोना चांदी के दाम, प्लेटिनम के दाम जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि इस पर जो कस्टम ड्यूटी है वो 10 से 12% है। सोना का इस समय आज का रेट जो है वो 35-36 हज़ार के आसपास है, उस हिसाब से अगर देखें बढ़ा हुआ दाम तो उसमें लगभग 800 से 900 रुपये का अंतर आ जाएगा। तो महंगाई तो आ गई उधर सोना में, तो आप बेटी की शादी करेंगे तो महंगाई होगी, आप किसी को गिफ्ट देंगे, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं किसी को सोना के तौर पर, जो नज़दीक के रिश्तेदार होते हैं वो भी शादी ब्याह में जब जाते हैं तो सोना में ही गिफ्ट देते हैं, अंगूठी देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो ये उनके लिए महंगा हो गया। दूसरा, जो शादी ब्याह में रिकॉर्डिंग करने के लिए आप अगर DVR खरीद लिया, कैमरा रिकॉर्डर खरीद लिया, कैमरा रिकॉर्डर, तो वो भी महंगा हो गया। चार्जर, पावर एडाप्टर, इन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है, DVR है, डिजिटल नेटवर्क, वीडियो रिकॉर्डर, क्या छोड़ा, क्या कुछ नहीं। हाँ, तो ये सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। तो एक तरह से आप देखिए कि बजट में कोई राहत तो किसी को मिली नहीं, आप 2 करोड़ तक के जो इनकम ग्रुप हैं उनको कोई राहत नहीं मिला है सिवाय 2 लोगों की। 2 करोड़ जिनका भी सालाना इनकम है उनके टैक्स स्लैब में कोई चेंजेस नहीं हुए, 2 करोड़ वालों से ऊपर वालों को बढ़ाया भी गया है। जो 2 करोड़ से 5 करोड़ है उनके लिए 3% एक्स्ट्रा सरचार्ज हो गया है, और जो 5 करोड़ से ऊपर एनुअल इनकम माने उनके 7%, लेकिन 2 करोड़ से नीचे में सिर्फ 2 लोगों को राहत मिली है। एक वो जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में घर खरीदा हो 45 लाख रुपए का और 31 मार्च 2020 तक खरीदेंगे तो भी उनको उनके होम लोन के इंटरेस्ट में जो ऐसे एग्जम्पशन 2 लाख रुपया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में, इनकम टैक्स कैलकुलेशन में, उसमें उन्होंने एडिशनल 1.5 लाख दे दिया एक। और दूसरा, जो ई व्हीकल खरीदेंगे, ई मोटर, ई कार, इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे, उसके लिए अगर वो कार खरीदने में लोन लेंगे, पूरा खुद से खरीद लेंगे तो नहीं, लोन लेंगे तो उस लोन के इंटरेस्ट में उनको 1.5 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा। तो ये 2 एग्जेम्पशन है, इसके अलावा इनकम टैक्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं हुए, जो सुपर रिच थे उन पर टैक्स लगाया गया है थोड़ा एक्स्ट्रा सरचार्ज बोल के, और जो ये दो है। तो पैसा तो किसी को आपने बढ़ने दिया नहीं, जिसकी जो कमाई थी वो उसी कमाई में है, और वहाँ आपने ये जो बजट में जो छोटे छोटे इधर उधर के आइटम में, सोना में, चांदी में, साबुन में, यहाँ वहाँ जो आपने बढ़ा दिया, स्टेनलेस स्टील में बढ़ गया, बर्तन बढ़ गया, तो फर्नीचर में नहीं भरा, फर्नीचर की फिटिंग्स में, फर्नीचर में जो मेटल फिटिंग्स है उनका भरा। हाँ। तो इस तरह से मतलब इनकम किसी का बढ़ नहीं रहा, लिक्विडिटी जो है उतनी ही है, आदमी के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, लेकिन उसके ऊपर जो उसका पुराना पैसा है उसी इनकम में उसको उन्हीं चीज़ों को खरीदने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसा खर्च कर रहा है। अरे, सोना चांदी और प्लेटिनम वगैरह पे जो बढ़ाया है इनके पीछे क्या इनकी लॉजिक हो सकता है? यही तो कि ज़्यादातर हम इम्पोर्ट करते हैं और डॉलर में हमें भुगतान करना पड़ता है, इसलिए जो है इसी से कुछ कमाया जाए, इसको डिस्करेज किया जाए।
सोना खरीदना हो तो डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि सोना का प्रोडक्शन अपने यहाँ नहीं है, तो जब बाहर से सामान आएगा तो उसके लिए पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मंशा डॉलर को लेके बहुत चिंता नहीं होगी, क्योंकि डॉलर में लंबा चौड़ा कारोबार है। वो ये हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से लोग सोना में डाल रहे हैं, सोना खरीदने वाले दो तरह के लोग हैं, एक जो शादी ब्याह न्योता के लिए खरीदते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस से खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट वाले जो हैं वो उससे डेविएट हो थोड़ा, या तो उधर ज़्यादा पैसा दें या फिर किसी और सरकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं या और भी जो भी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं, जिससे मार्केट के पास पैसा हो, मार्केट में उस पैसे का इस्तेमाल हो सके देश के विकास में किसी भी काम। तो मुझे लगता है कि सोना में पैसा डाल के जमा करने वाले लोगों को उसको डिस्करेज करना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए, मतलब पैसा ब्लॉक ना हो, इकोनॉमी में आए वो, ताकि वो जो मनी रोटेशन में, हाँ रोटेशन में रहे। शायद यही सरकार की सोच रही होगी, लेकिन सरकार कुछ भी सोचे, निर्मला सीतारमण जिनने जो है बहुत होशियारी से पैसा निकाला है, सबके जेब से निकाला है कुछ ना कुछ, घर की सजावट से लेके बेटी की शादी तक और बेटी की शादी का रिकॉर्डिंग तक सब कुछ मांगा कर दिया, सब कुछ मांगा कर दिया। अब जो इतना या तो ये करने जाएगा तब उसको पता चलेगा, या जो माइनोरिटी इसको देखेगा उसको बर्तन भी तो देंगे, सब कुछ मांगा कर दिया है। तो निर्मला सीतारमण जी ने जो है कुशल गृहिणी की तरह कुशल वित्त मंत्री बन करके सबके जेब से पैसे निकाल लिए हैं। देखते हैं और उन्होंने बजट में क्या क्या किया है, हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।